नमस्कार, आप जो रहा छो टीवी 9 अमदावाद लाइव साथे हूँ छु जगदीश। विधानसभा चूंटणी माटे हवे AIMIM जाहिर कर्या 3 उम्मीदवार। जमालपुर खाड़िया बैठक पर साबिर काबलीवालानी टिकट। सूरत पूर्व में वसीम कुरेशी उम्मीदवार। दाणी लीमड़ा थी कौशिक परमार उम्मीदवार। विधानसभा की चूंटनी ने लईने AIMIM नो चूंटनी प्रचार तेज थयो छे। जुहापुरा विस्तार में असदुद्दीन ओवैसी ए सभा संबोधी। अमित शाह पर ओवैसी ना आकरा प्रहार। अमित शाह जुहापुरा में शू विकास करो, ओवैसी ए सवाल करो। और यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह हैं। अमित शाह हैदराबाद को जब कभी भी आते अपने भाषण में मेरा 2 मरतबा नाम लिए, उनको चैन से रात में नींद नहीं आती। हर बार अमित शाह आकर मेरा नाम लेते हैं कि ओवैसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अमित शाह साहब, ये बताइए कि आपने जब यहां के एमपी बने, आपने जुहापुरा में कितने काम करवाए अपने एमपी फंड से, बताओ आप। क्या आपने यहां पर पीने के पानी का इंतजाम किया? क्या आपने यहां पर अल्पसंख्यक समाज के लिए अपने एमपी फंड से कोई स्कूल की बिल्डिंग को तामीर करवाया? क्या आपने अपनी सरकार से बोलकर जुहापुरा में कब्रस्तान की जमीन दिलवाई के कब्रस्तान की जमीन भी नहीं है? AIMIM ना राष्ट्रीय प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अमदावाद में शाला की मुलाकाते। असदुद्दीन ओवैसी जुहापुरानी क्रेसेंट स्कूल की मुलाकात लीधी और तेजस्वी विद्यार्थियों सम्मान करी शाला विद्यार्थियों साथे संवाद कर्यो। आ प्रसंगे ओवैसीए कहूं कि मुस्लिम समाज शिक्षण क्षेत्र हजू घणो पछात छे। मात्र 2% की आसपास ज मुस्लिम समाज विद्यार्थियों मेट्रिक्युलेशन थी आगळ भणे छे। आ साथे ओवैसीए परिवार माथी बाळकने शिक्षण की तालीम और प्रेरणा मळे ते जरूरी होवानुं पण कह्युं हतुं। आ बने दृश्य में आपने बताई रहा है। आ दृश्य ए एक रीतनी शुरुआत करवामां आवी रही है। आ विधानसभा में नी चूंटनी में मुस्लिम समाज नी वच्चे जईने AIMIM ना राष्ट्रीय आ पार्टी ना अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो जुहापुरा में सभा गजवी थी।